और हल्द्वानी में एक बार फिर से उत्तराखंड जल संस्थान संविदा कर्मचारियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान संविदा कर्मचारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आक्रोश भी देखने को मिला है। कर्मचारियों ने कहा कि 20 से 25 वर्षों में जल संस्थान में सेवा देते आ रहे हैं, पर आज तक सम्मानजनक मानदेय नहीं दिया गया है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और हमें मात्र 8 से 9 हज़ार रुपये ही मानदेय दिया जाता है। कई बार जनप्रतिनिधियों सरकार प्रशासन को इस बात से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। यह है कि हम विगत 4-5 साल से जल संस्थान के द्वारा लगे हुए हैं। हमें तनख्वाह कम से कम 5,000 रुपये साल का महीने का देते हैं और वो भी हमारे 8 घंटे 10 से लेकर 10 घंटे तक हम काम करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, पानी बिल बांटते हैं। हमें मंडल के द्वारा निर्देशित किया गया है कि एक दिवसीय हमारा सांकेतिक धरना रहेगा। जो हमारे मांगी थी, जो हम लोगों का 2021 में GM ऑफिस में जो हमें समझौता दिया गया था, उस समझौते के तहत आज तक हम लोगों पर, श्रमिकों पर कोई लागू नहीं किया गया। उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि 20-25 वर्षों से लगातार कार्यरत कर्मचारी जो उत्तराखंड जल संस्थान में आउटसोर्स के माध्यम से, उनको आज वेतन 8 से 9 हज़ार रुपये का भुगतान किया जाता है। आज पर्यंत इन कर्मचारियों का अभी तक घर परिवार का भरण पोषण नहीं होता है। हमने कई बार